कंगना रनौत की मुश्किलें अब दुगनी। कंगना पर दूसरे वार की तैयारी, ड्रग केस की जांच करेगी अब मुंबई पुलिस। ऑफिस के टूटने के बाद अब उन पर ड्रग कंजम्पशन को लेकर होगी इन्वेस्टिगेशन। आइए जानते हैं आखिर मामला क्या है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे और कंगना रनौत के बीच वॉर ऑफ वर्ड्स जारी है। ऐसे में अब ऑफिस डेमोलिशन के बाद कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग केस की जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को जांच का जिम्मा सौंपा है। मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र सरकार से इस मामले की जांच के लिए ऑफिशियल लेटर मिला है। बता दें कि कंगना के ऑफिस को डिमोलिश करने के बाद अब कंगना की मुश्किलें दुगनी हो गई है। अब उन पर ड्रग से रिलेटेड भी कार्रवाई होगी। बता दें कि ऑफिस के डिमोलिशन से पहले भी ये बात उठी थी। इससे पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कंगना रनौत के ड्रग्स मामले को उठाया था। उन्होंने कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन के एक पुराने इंटरव्यू के आधार पर इस मामले को उठाया था। देखिए क्या कहना था गृह मंत्री अनिल देशमुख का। कंगना रनौत जो है उसके तालुकात या संबंध जो भी है शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी और अध्ययन सुमन ने डीएनए को जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने बताया कि कंगना रनौत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। इस प्रकार का निवेदन आज विधानसभा में मैंने किया। महाराष्ट्र सरकार के इस एक्शन पर कंगना ने भी रिएक्ट किया था। कंगना ने ट्वीट कर लिखा था, पुलिस मेरा ड्रग टेस्ट कीजिए, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कीजिए। अगर आपको ड्रग पेडलर्स को लेकर मुझसे कोई भी लिंक्स मिलता है तो मैं अपनी गलती मान लूंगी और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। आपसे मिलने के लिए इच्छुक हूँ। इसके बाद अध्ययन सुमन ने भी क्लैरिफिकेशन दिया और कहा कि उन्हें इन सब बातों में ना घसीटे। देखे उनका क्या कहना था। नमस्कार, मैं हूँ अध्ययन सुमन। मैं एक्चुअली कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ बिकॉज मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविजन पर रिडिक्यूल किया गया था और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। बहुत मुश्किलों से मैं गुजरा हूँ। 11-12 साल का स्ट्रगल रहा है और फाइनली ऑडियंस मेरे काम को इतना सराहा रही है, प्यार दे रही है। ओनली बिकॉज यू गाइस हैव बीन सो काइंड टू मी कि आप लोगों ने मुझे और एक अपॉर्चुनिटी दी है। सो थैंक यू एंड प्लीज डोंट ड्रैग माय नेम। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कंगना रनौत के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं और कोई रिश्ता नहीं होगा आगे भी, लेकिन हम दोनों की लड़ाई एक ही है विच इज जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। तो प्लीज इधर उधर ना भटके, लेट्स फाइट फॉर सुशांत। थैंक यू। फिलहाल आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या कंगना का ड्रग टेस्ट होगा? क्या ये बात सही है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।